Hello and welcome to Youth Brigade, Youth with a Difference. घबराइए नहीं, पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, इतना नहीं पढ़ सकता मैं. पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि जिस बंदे से आज मिलने आया हूँ ना, वो शब्दों के साथ बहुत हेर फेर करता है भैया. ही इज नन अदर दैन द फाउंडर ऑफ लर्निंग इंक, मिस्टर प्रशांत चड्डा. तो चलिए आइए मिलते हैं प्रशांत जी से. प्रशांत कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया. और सब फर्स्ट क्लास? बढ़िया, मस्त, बिल्कुल. प्रशांत, यू आर एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड राइटर बाय चॉइस, है ना? हाँ, बिल्कुल. क्यों? यार बचपन से ही ना, आई हैव हैड एन एक्सपोजर टू रीडिंग. आई हैव बीन रीडिंग सिंस क्लास फोर्थ, एंड ग्रेजुअली समहाउ इट गॉट इनटू माय ब्लड स्ट्रीम दैट माय इंटरेस्ट इज इन लिटरेचर. स्टार्टेड टू एक्सपेरिमेंट विद राइटिंग. इट स्टार्टेड विद अ फ्यू रैंडम वर्ड्स. दोज वर्ड्स बिकेम अ स्टैंजा, स्टैंजा बिकेम अ पोएम, एंड दैट ग्रेजुअली इट डेवलप्ड इनटू अ हॉबी. फ्रॉम एन हॉबी इट ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू एंड टेक अप. सो वहाँ से वो राइटिंग वाला शौक बनता गया, बनता गया, बनता गया. इंजीनियरिंग इज़ सॉर्ट ऑफ एक हमारी कंपल्शन है सोसाइटी की, है ना, कि हमें एक अच्छी डिग्री चाहिए होती है, एक अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है. सो हाँ, इंजीनियरिंग करी. सेफ्टी नेट था सॉर्ट ऑफ, कि इंजीनियर बन गए, अब आई कैन एक्सपेरिमेंट एज मच एज आई वॉन्ट टू. सो इंजीनियरिंग से फिर राइटिंग में प्रोग्रेशन हुआ कि चलो इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद आई विल डू व्हाट आई वॉन्ट टू, एंड दिस इज़ व्हाट आई वॉन्टेड टू डू. ओके, मतलब ये तो वही बात हुई कि ईस्ट और वेस्ट, इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट. क्यों? I'm not saying engineering is the best. I'm saying अच्छा था, as an experience, it was a good experience. By the end of it, I realized that this is something that I do not want to do. So उससे मुझे engineering से मुझे ये पता चला कि मुझे क्या नहीं करना था, rather than knowing what I want to do. So वो जो gradual development हुआ उस चार साल कॉलेज में, that has helped me out a lot, because I am clear now that मुझे क्या चीज़ नहीं करनी. वो clarity आने में time लगता है, मतलब you're not, इट्स नॉट इन बॉर्न एंड समथिंग दैट आर सोसाइटी डज नॉट अलाउ, डज नॉट नर्चर, कि आपको आपके इंटरेस्ट में वो पुश करें. वो हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है. हमारी सोसाइटी पुश करती है कि ये वाली चीज़ चूज़ करो, ये वाली चीज़ चूज़ करो. सो वो उस मोल्ड में से ब्रेकआउट करना, इट टेक्स टाइम, एंड आई टुक सम टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट मोल्ड. एंड एज एंड व्हेन आई डिड, आई डिस्कवर्ड राइटिंग. नहीं, आपका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब तक की आपकी जर्नी का रहा है कि आपने पेक से इंजीनियरिंग कंप्लीट की, आपने प्लेसमेंट अपनी ड्रॉप कर दी, उसके बाद देन यू सिक्स मंथ आप कुछ नहीं किया आपने. वन, एक तो कुछ क्यों नहीं किया, सेकंड जब किया तो फिर क्या किया? यार पेक से पास आउट करने के बाद देयर वाज अ स्मॉल वैक्यूम दैट पीरियड. आई हैड अ प्लेसमेंट विद इन्फोसिस, एंड द प्रोफाइल दैट इन्फोसिस ऑफर्स इज समथिंग दैट आई फाउंड इज नॉट सूटेबल फॉर मी. कोडिंग जॉब इज समथिंग दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ. माई इंटरेस्ट इज नॉट देयर इन कोडिंग. दिमाग नहीं चलता मेरा उस तरफ. सो अगर मुझे कुछ करना था अपने इंटरेस्ट से, अपने पैशन से, तो मुझे वो सोचना पड़ा उसके लिए. सो आई टुक अ सिक्स मंथ्स ऑफ. आई रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, आई रोट अ लॉट इन दोज सिक्स मंथ्स. आई आस्क माई सेल्फ द क्वेश्चन कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ. At the end of that period, I started taking part-time classes at one educational institution in Chandigarh. This was just reading classes. I used to help students with their reading habits. So that's where I started off with. As time progressed, I got involved into teaching. So I started teaching English full-time as a faculty. So that's where the first major career shift took place. From engineering, I jumped to teaching English. So that's how I jumped. But that 6 month period was important in the sense that it was a period of self-realization. I realized what I wanted to do, what are the things that I like, what would I want from my life. I realized a little bit of it and I started to work towards it. So that was the first step, basically. So first step is the initial step and the important one. Prashant, you started off as a part-time faculty, then you shifted to a full-time faculty. What did actually, you know, kya laga ki yaar ab, you know, mere ko dhang se full-time hi padhana hai? Kya wo ek cheez thi? Yaar, after about 3 months ke experience ke baad mujhe laga ki opportunity achhi thi. For 6 months I had not worked. So 6 months ka gap bhi aa chuka tha. Then by the end of that period I realized ki I had to start earning. So us time period pe the first opportunity I got was teaching. So teaching was, to begin with, it was only an earning opportunity ki chalo theek hai, full time job karte hain, we'll get to earn good money, so I can start with it. So for the first year of my teaching, the first 6 months were tough kyunki maine usse pehle kabhi nahi padhaya tha. So that was my first experience of teaching. तो वो पहले 6 महीने बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड था. उसमें पता चला कि एक्चुअली प्रोसेस ऑफ टीचिंग होता क्या है, उसके लिए आपको कितना प्रिपेयर करना पड़ता है, और
सेकेंडली आपका पर्पस ऑफ टीचिंग, कैसे आप अपने लिए इंडिविजुअली डिफाइन करोगे. तो वो प्रोसेस था, फर्स्ट 6 to 9 months काफ़ी स्ट्रगल वाला टाइम पीरियड रहा, बट उसके बाद यू गॉट इनटू द रूटीन ऑफ इट. और फिर आई वाज मोर और लेस कंफर्टेबल बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ माय टीचिंग, आई वाज कंफर्टेबल विद इट. सो वो जनरल ट्रांजिशन था. हाँ, बट टू बिगिन विद एक अर्निंग, अच्छा अर्निंग सोर्स था, पहली मोटिवेशन अर्निंग सोर्स था, इसलिए की रही टीचिंग स्टार्ट. प्रशांत, मतलब आपने 3-4 साल पढ़ाया है, बट एक चीज़ उसमें ये रही कि जब आपने पढ़ाना शुरू किया, इनकम आनी शुरू होगी, एक वो प्रॉपर चेन बन जाती है ना, तो फिर व्हाई डिड यू थिंक यार अब पढ़ाना छोड़ते हैं, कुछ अपना शुरू कर लेते हैं, क्यों? आई डॉट फॉर 3 years. तो 3 साल के बाद जाके कहीं ना कहीं स्टैगनेंसी आने लगी कि आई वॉज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. 3rd year वॉज बेसिकली रिपीटिंग वॉट आई हैड ऑलरेडी डन. सो उसके बाद वो जब स्टैगनेंट होगी सारी सिचुएशन, तो यू स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि यार क्या, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू, दिस इज़ वेयर आई एम स्टक. सो स्टैगनेंसी से बाहर निकलने के लिए सोचा यार अब वॉट नेक्स्ट, वॉट कैन आई डू. सो मेरा पहला इंस्टिंक्टिव रिएक्शन वॉज टू लीव द जॉब. तो आई लेफ्ट द जॉब इंस्टिंक्टिवली विदाउट थिंकिंग कि मैं क्या करने वाला हूँ आगे. सो पहला स्टेप यही था कि जॉब छोड़ देते, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है. बट अभी आई डोंट वॉन्ट टू वर्क एनी मोर. सो द फर्स्ट स्टेप आई टुक वॉज आई लेफ्ट द जॉब. जॉब छोड़ने के बाद वो टाइम पीरियड आया कि नाउ आई एम टोटली फ्री, देर वॉज नथिंग ऑन माई हेड एंड सेविंग्स थी, तो देर वॉज नो प्रेशर ऑल्सो टू अर्न. सो अपने साथ बैठ के आराम से सोचने का टाइम था कि क्या करना है क्या नहीं करना. फिर से वही 3 साल पहले वाला रिवाइंड प्रोसेस कि अगेन आई हैड टाइम टू थिंक. अपनी स्ट्रेंथ्स एनालाइज करी, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं विच कैन बी डन बाय मी, तो उनका लिस्ट बनाया. फिर उसके आसपास सोचना शुरू कर दिया यार कि आई शुड डू समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन दीज स्ट्रेंथ्स. स्ट्रेंथ्स क्या थी, जैसे मैं लिख सकता हूँ, राइटिंग. सो आई थॉट मे बी आई कैन डू कॉन्टेंट वर्क फॉर अदर कंपनीज, फॉर पीपल आई कैन राइट आर्टिकल्स एक्सेट्रा. तो पहली चीज़ वो शुरू करी कि हाँ कॉन्टेंट से शुरू करते हैं. सेकेंड वॉज आई कुड ऑब्वियसली टीच. सो टीचिंग रिलेटेड मैं आगे क्या कंटिन्यू कर सकता था, वो चीज़ें सोचनी शुरू करी. तो वहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट फिर वर्ड पंडित का डेवलप हुआ कि आई विल टेक वोकैबुलरी टू द नेक्स्ट लेवल बाय टीचिंग इट ऑनलाइन. कि ऑनलाइन यू हैव अ वाइडर ऑडियंस, और सेकेंडली रिस्ट्रिक्शन नहीं होता मीडियम में, मैं जैसे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ आई कैन एक्सप्रेस इट. सो ऑनलाइन मीडियम में फिर वोकैबुलरी के बारे में सोचा. सो वहाँ पे जाके कहीं पूरा कंपनी का, एक अपनी कंपनी खोलने का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, विच वॉज टू बिगिन विद वेरी सिंपल कि मुझे क्या करना था, अपनी स्ट्रेंथ से रिलेटेड काम करने थे. मैं बहुत इंडिविजुअल बेसिस पर सोच रहा था, आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल बेसिस पे कि एक काम शुरू करता हूँ, देन एज इट डेवलप्स आई विल सी फर्दर हाउ इट गोज. सो इन शॉर्ट, अगर अपना काम शुरू करना है तो नौकरी छोड़ दो, उसके बाद कुछ टाइम लो, अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करो एंड देन वर्क ऑन इट. हाँ, दैट हेल्प्स. एटलीस्ट मुझे पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ. सो मैंने उसके बेसिस पे ही पूरा कॉन्सेप्ट अपनी कंपनी का उसके बेसिस पे ही शुरू किया, उन स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे. शांत, अब व्हाट इज एक्चुअली लर्निंग इन फाउंडेशन? आई वुड लाइक इलैबोरेट करके बताना थोड़ा अच्छे से, सो दैट जनता को पता चले जो आपको देख रही है. लर्निंग इंक इज बेसिकली वी डू अ फ्यू थिंग्स. ए, वी आर एन एजुकेशन कंपनी. वी आर डेवलपिंग वोकैबलरी वेबसाइट wordpandit.com. दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव दैट वी हैव टेकन. हम विजुअल वोकैबलरी को पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो हम उसको डेवलप कर रहे हैं. एजुकेशन में सेकेंड चीज़ जो हम कर रहे हैं, समथिंग दैट आई हैव टॉट फॉर 3 years, कैट एंट्रेंस एग्जाम के लिए. सो वी डेवलप्ड साइट फॉर दैट ऑल्सो. सो कैट इंग्लिश को टैकल कैसे करना है स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से, सो हम उसको ऑनलाइन मीडियम के थ्रू वी आर टीचिंग. ये पार्ट ए ऑफ आर वर्क है. सेकेंड पार्ट ऑफ आर वर्क इज़ कॉन्टेंट सर्विसेज. कि सिंस आई बिलीव राइटिंग कम्स नेचुरली टू मी, सो अगर कोई एनीबडी रिक्वायर्स कॉन्टेंट सर्विसेज, यू रिक्वायर स्पेशलाइज कॉन्टेंट फॉर योर कंपनी और फॉर योर प्रोजेक्ट्स और फॉर वेबसाइट एक्सेट्रा, वी प्रोवाइड दैट कॉन्टेंट टू दोज कंपनीज. सो वो सेकेंड एरिया ऑफ वर्क है हमारा, कॉन्टेंट एंड एजुकेशन, द टू एरियाज दैट वी वर्क इन. सो हाउ डिड द ब्रांड नेम लर्निंग इनकम? As I see things, मुझे सब कुछ लगता है इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. मतलब मेरे लिए तो कंपनी खोलना भी एक लर्निंग प्रोसेस था. उसके बाद जब वर्ड पंडित साइट डेवलप करी, वो पूरी साइट डेवलप करते करते आई लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. द होल प्रोसेस बहुत सीखते जाओ एंड दैट्स वॉट
इट हैज़ ऑल बीन अबाउट फॉर द लास्ट 8 or 9 months. वी लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. जितने भी टीम मेम्बर्स रहे हैं, जितने भी इंटर्न्स रहे हैं, वी कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर करते रहते हैं. सो द वर्ड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वो हमारा बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें. सो नाम रखा लर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, उसका शॉर्ट फॉर्म बन गया लर्निंग इंक. सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट लर्निंग ऑल स्ट्रीम्स एंड ब्रांचेज ऑफ लर्निंग. इन शॉर्ट, सीखो सीखो और सीखते जाओ. मैं आपकी वेबसाइट देख रहा था, वहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि अबाउट अस में कि वी हैव स्मॉल ड्रीम्स टू ब्रिंग बिग चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम. मिस्टर सिब्बल, आई वुड लाइक यू टू हेयर दिस थिंग वेरी प्रॉपरली. यार मुझे लगता है लर्निंग का प्रोसेस हमारा दो तीन चीज़ों से सफ़र करता है. एक, बहुत ज़्यादा करिकुलम बाउंड है, बहुत ज़्यादा स्टिपुलेटेड है कि ऐसे ही होनी चाहिए लर्निंग. स्टूडेंट्स को इस स्टेप के बाद ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगती. पीपल शुड बी फ्री टू एक्सप्लोर व्हाट दे वांट टू. सेकेंडली, जो हमारा पूरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है बुक्स के अंदर, वो मेमोरी बेस्ड है. याद कर करके चीज़ें, आप चीज़ें याद करो फिर आप उनको बस उगलाओ पेपर में. ये मेथड फॉलो होता है. आई डोंट एग्री विद दीज मेथड्स. मुझे लगता है कि जितना प्रोसेस क्रिएटिव हो सकता है, फोर्स पीपल टू डू थिंग्स देमसेल्व्स. अगर फिजिक्स में कुछ करना है तो यार उसको एक्सपेरिमेंट खुद करने दो, रादर देन जस्ट रीडिंग एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट फाइल में लिख के कॉपी करके लिख दिया, उसका फ़ायदा नहीं होता. सो आपको लगता है नहीं कभी यार बहुत बड़ा रिस्क ले लिया अपना कुछ एक वेंचर शुरू करके, दैट टू इट्स अ नॉन कन्वेंशनल वेंचर, सो कभी कभी थोड़ा डर नहीं लगता? डाउट्स आते हैं, ऑब्वियस है. डाउट्स अभी भी आते हैं कि देर आर डेज व्हेन आई थिंक यार कि इज़ दिस द राइट थिंग टू डू, इज़ दिस व्हाट आई वांट टू डू. बट दे एट द एंड ऑफ द डे इट्स आई एम सेटिस्फाइड. एवरी डे आई एम सेटिस्फाइड विद द वर्क आई डू. सो वो सेटिस्फैक्शन रहती है. ठीक है, मॉनेटरली वी आर नॉट रियली कंसर्न्ड एट द मोमेंट. एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू डू, वी आर सेटिस्फाइड विद इट. अभी वी आर वेरी सेटिस्फाइड. सो नहीं, मेरे को अभी कोई डर नहीं लगता. डरना मना है. हाँ बिल्कुल. हाउ आर यू एम्पावरिंग यूथ? हाउ एम आई एम्पावरिंग यूथ? हमारा ऑर्गेनाइजेशन में वी रन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, वी गॉट पार्ट टाइम एम्प्लॉयज. सो हम एक वो वाला प्रोसेस रन करते हैं कि जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं वी ट्राई टू शेयर इट विद आर एम्प्लॉयज, और इंटर्नशिप्स करते हैं ताकि पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन आर फील्ड ऑफ वर्क कैन जॉइन अस, कैन वर्क विद अस. डू यू थिंक यूथ को आज की डेट में किसी चीज़ के लिए सेंसिटाइज होना है? वन येस, तो क्यों और कैसे? यू नो ऑब्वियसली येस, यूथ को ज़रूरत है सेंसिटाइज होने की. ज़रूरत है मेजरली सोशल इशूज़ पे, हाउ सोसाइटी फंक्शंस. हम लोगों को नहीं पता, हम लोग अपने ही उस एक छोटी सी लाइफ में, एक स्टूडेंट लाइफ में इतने ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हैं, वेयर वी आर ओनली कंसर्न कि हमारे साथ कॉलेज में क्या हो रहा है, क्या गॉसिप चल रही है, किसके कितना स्कोर आया, कौन कहाँ जा रहा है. वी फॉरगेट दैट देयर आर लार्जर सोशल इशूज़ टू डील विद. क्योंकि हम उनको भूल जाते हैं तो हम उनमें कंट्रीब्यूट नहीं करते. हमें लगता है यार चल रहा है ना सिस्टम, चलने दो. सो अगर यूथ एक बार ही उन चीज़ों को सेंसिटाइज हो जाए तो वील सी दैट इज ग्रेटर सोशल इक्वालिटी इन आर सोसाइटी. जो चीज़ें हम मांगते हैं, इफ़ वी आर अवेयर ऑफ देम, ऑब्वियसली करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, ये इतने सारे डीमंस हैं सोसाइटी में, ये टैकल होने शुरू हो जाएंगे अगर यूथ में अवेयरनेस हो, अगर वो कल्चर बिल्ड होता है अवेयरनेस का. तो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए डेफिनेटली यूथ को. राजू, पप्पू और स्वीटी, हो जाओ तैयार सोशल इश्यूज के लिए भैया. हाँ जी. तो फ्रेंड्स, दिस इज सुशांत साइनिंग ऑफ, सॉरी, दिस इज सुशांत एंड वरुण साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूथ ब्रिगेड, यूथ विद अ डिफरेंस. से बाय बाय. अच्छे से बाय बोलो, ऐसे ऐसे. ये मुझे वोकैबुलरी सिखाएंगे और मैं तुम्हें बाय बाय करना सिखाऊंगा. ओके, बाय बाय.